नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम लोग बात करेंगे कि एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो आपके लिए गाइडलाइंस जारी किया है, क्या स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, उन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। और ये भी आपको जानना जरूरी है कि किस तरीके से क्या आपका ड्रेस कोड होगा, क्या आप आइटम्स वहां पर ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन डे के दिन, और क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। उस तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि एनटीए ने अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, उन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि एक्चुअली आप जब 5 मई को एग्जाम देने जाएंगे अपने सेंटर पर, तो वहां पर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, क्या है स्टैंडर्ड नॉर्म्स एनटीए का जो आपको फॉलो करना होगा, और किन चीजों को आपको बच के रहना होगा उस एग्जामिनेशन डे के दिन। चलिए पता करते हैं कि क्या है वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आप एग्जामिनेशन डे के दिन जो गाइडलाइंस है वो आपके बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठना चाहिए। आप किसी भी पॉइंट्स को, सिले मिस्टेक्स को आप ना करें, जिसके चलते आप वहां पर पैनिक हो जाए और सिचुएशंस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए, आपको दिक्कत आ जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये आप समझिए कि एग्जामिनेशन डे का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करेंगे। जो फॉर्मेट आपका प्रिंटेड पीडीएफ मिलेगा आपके लॉगिन करने के बाद, उसके साथ साथ आपका ऑफिशियल जो भी गवर्नमेंट से इशूड वैलिड वोटर आईडी या आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ये वैसी फोटो आईडी जो गवर्नमेंट से इशूड की गई है, वो आपको अपने इस एडमिट कार्ड के साथ कैरी करना होगा। ओरिजिनल, ये बिल्कुल ओरिजिनल आप अपने एडमिट कार्ड के साथ कैरी करेंगे, क्योंकि वहां पर गेट पर आपको उस सारी चीजों से वेरीफाई किया जाएगा आपकी आइडेंटिटी। तो आपकी ऑफिशियल जो भी गवर्नमेंट की इश्यूड आईडी है उसको आपको कैरी करना मस्ट है, आपके अपने एनटीए वाली एडमिट कार्ड के साथ। नेक्स्ट, जो रिपोर्टिंग का प्रोटोकॉल है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हर एक बच्चे का रिपोर्टिंग टाइम अलग होगा। हर एक बच्चे का मतलब स्लॉट्स होंगी, 10:30, 9:30, 11:30, 11 o'clock, 12, 12:30 या 1 o'clock, लाइक दैट। तो इस तरीके से हर बच्चों के एडमिट कार्ड में अलग होता है स्लॉट, यानी कि वो रिपोर्टिंग टाइम एग्जामिनेशन हॉल पे आपको क्या बचना है वो आप समझें। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई अदर रिलेटिव्स के बच्चे अगर ये एग्जाम दे रहे हो और वो अपने एडमिट कार्ड में देखकर आपको ये बताएं कि मेरा 11:30 या 12:30 रिपोर्टिंग टाइम है एग्जामिनेशन सेंटर में, तो ये आप ना माने कि सभी सारे बच्चों का रिपोर्टिंग टाइम वही होगा। आपको अपने एडमिट कार्ड में क्रॉस चेक करना है कि आपके पर्टिकुलर आपकी आईडी पर, यानी कि आपके एडमिट कार्ड पर क्या रिपोर्टिंग टाइम है, और उसी रिपोर्टिंग टाइम को ध्यान रखते हुए आपको अपने सेंटर पे जाकर रिपोर्ट करना है, अदरवाइज आपको वहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो आपके एडमिट कार्ड पे रिपोर्टिंग टाइम है उसको फॉलो करना है, ना कि आपके फ्रेंड्स या किसी और के एडमिट कार्ड पर जो रिपोर्टिंग टाइम है आप उसको टेक इट ग्रांटेड लें कि ये हमारा रिपोर्टिंग टाइम है, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग रिपोर्टिंग टाइम होगा। कोई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चों का रिपोर्टिंग टाइम एक होगा। और नेक्स्ट है ड्रेस कोड कंप्लायंस। ड्रेस कोड कंप्लायंस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वहां पर जाकर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि किन किन चीजों को आपको कैरी कर सकते हैं, किन किन चीजों को कैरी नहीं कर सकते हैं, क्या आपका ड्रेस कोड होगा, मेल कैंडिडेट्स होंगे या फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, उनका ड्रेस कोड क्या होगा, ट्राउजर्स क्या होगा, टॉप क्या होगा, शूज कैसा होगा, ऑर्नामेंट्स आप पहन सकते हैं नहीं पहन सकते हैं, क्या चीजें आप ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते हैं। तो कंप्लीट ड्रेस कोड के ऊपर में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको भी आप समझें, और ड्रेस कोड को 100% कंप्लायंस आपको करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी, पॉसिबल
बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं सेंटर पर जाके जो चीजें अगर अलाउड होंगी तो मैं लेकर जाऊंगा, जो चीजें नहीं अलाउड होंगी मैं वहां हटा दूंगा। तो ध्यान रखना है कि सेंटर पर जब आप इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो आपका मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी और कुल मिलाकर आप अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे। तो माय सजेशंस कि प्लीज आपको 100% कंप्लायंस करना है ड्रेस कोड सिस्टम को, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जब एंट्रेंस हो आपका तो वहां पर एंट्री टाइम में कोई भी किसी भी तरह का हिंड्रेंस ना हो, आप इजिली अपने एडमिट कार्ड और आईडीज को दिखा के आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री कर लें, जिससे कि आपको एक पीसफुल सिचुएशन माइंड में आप एग्जामिनेशन को पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये ध्यान रखना है ड्रेस कोड कंप्लायंस 100% आपको घर से फॉलो करना है। इसके बाद यह भी आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। ड्रेस कोड आप अगर कंप्लायंस 100% आप फॉलो करते हैं देन आप सिर्फ नॉर्मल रिस्ट वॉच आप अपने साथ कैरी करेंगे, इसके अलावा ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, वाटर बॉटल, पेंसिल, रबड़, इरेजर्स, पेन, कैलकुलेटर्स, स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल फोन्स, बैग्स, वैलेट, कुछ भी चीजें आपको कैरी नहीं करनी है। सारी की सारी चीजें आपको घर पर छोड़कर आना है या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं उनको साथ लेके जा रहे हैं तो उनको हैंड ओवर कर देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन गेट पर आपको इन सारी चीजों को ले जाने का अलाउ नहीं है। ये भी ध्यान आपको रखना है कि अंदर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में आपको दो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, एक तो आपके लिए पानी और दूसरा आपके लिए पेन। ये वो पेन होगा जिससे कि आप अपना OMR फिल करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको पेन, पेंसिल, इरेजर्स या किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, स्टडी मटेरियल्स, बैग, वैलेट, कॉन्ट्राबॉट्स, कुछ भी चीजें आपको नहीं लेकर जाना है। सिर्फ आप एक नॉर्मल रिस्ट वॉच यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी चीजें अलाउ नहीं है। नेक्स्ट और वो है आपके रिपोर्टिंग का लास्ट टाइम। देखिए ऐसा क्या है कि मैंने जस्ट इसी वीडियो में आपको बताया कि आपके स्लॉट्स की रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग होंगी बच्चों की। आप अपने स्लॉट्स के हिसाब से आपके जो एडमिट कार्ड पे मेंशन है वो टाइमिंग पे आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल पे रिपोर्ट करना है, लेकिन किसी भी अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस या अनफॉर्चुनेटली किसी भी कंडीशन में आप ट्रैफिक या आपका किसी डिस्टेंस या किसी मिसहैपनिंग के चलते आप लेट होते हैं, अपने रिपोर्टिंग टाइम के स्लॉट पे नहीं पहुंच पाते हैं, इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि आपको किसी भी हालत में 1:30 इज द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम फॉर ऑल द स्लॉट्स। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में आप 1:30 इज द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम, 1:30 के बाद आपको किसी भी तरह से इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि प्लीज आप अपने एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और आपका ड्रेस कोड सब कुछ परफेक्टली है तो आप अपने रिपोर्टिंग स्लॉट पे आप जाए और आराम से पीसफुली कूल माइंड बिल्कुल अच्छे माहौल में एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करें और आप एग्जाम को पार्टिसिपेट करें। इससे आपकी सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी, आपका माइंड कूल रहेगा, आप बेहतर अटेम्प्ट ले पाएंगे अपने सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक चीज और ध्यान रखना है कि आप प्यारे बच्चों आप जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बहुत ही टफ और काफी प्रेस्टीजियस एग्जामिनेशन है इस इंडिया का, आप उन सारी चीजों को ध्यान रखना है जो NTA ने बोला है कि ये सारी चीजें नहीं करनी है, यानी कि किसी भी तरीके का माल प्रैक्टिसेस, इरेगुलरिटीज, ये सारी चीजें अगर आप करते हुए पाए जाते हैं तो आपके कैरियर के साथ बहुत बड़ा सिचुएशन खराब खड़ा हो सकता है, हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़े और हो सकता है कि आपका कैरियर बर्बाद हो जाए। तो प्लीज इन सारी चीजों को समझते हुए देखते हुए आप अपने आप पे रिजर्व रहें, जो भी NTA का गाइडलाइंस है उसको आप फॉलो करें। एग्जामिनेशन डे के लिए इंपॉर्टेंट डेज आप सभी के कैरियर के लिए है,
आप इन सारी चीजों को स्मार्टली फॉलो करें और बेस्ट वे में जाकर अपने एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करें, एक अच्छा नंबर स्कोर करें और देश की सेवा करें एक अच्छे डॉक्टर बन के। तो इन सारी चीजों को समझाते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ क्लोज करता हूँ। हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आप अपने मॉक टेस्ट की तैयारी बिल्कुल बढ़िया से कीजिए, एक अच्छे नंबर को स्कोर कीजिए। हर तरह की काउंसलिंग में सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा। थैंक यू।